सो गाइस, आपने IQOO Z7 की तारीफें काफी सुन ली, बट अब कुछ ग्राउंड रियलिटी चीजों के भी बारे में बात कर लेते हैं जिनके बारे में आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। काफी सारी वीडियोस देख के आपने मन बना लिया होगा कि अब मैं इस फोन को लेने वाला हूँ या लेने वाली हूँ, बट ये वीडियो भी आपको देखना चाहिए क्योंकि कुछ सत्य तथ्य लोग जो है छुपा रहे हैं या पूरा अच्छे से नहीं बता रहे हैं। इस वीडियो में आपको 5 वो पॉइंट्स बताने वाला हूँ जो IQOO Z7 को लेने से पहले आपको डेफिनेटली सोचना चाहिए। एंड IQOO Z7 या Realme Narzo 50 Pro दोनों में से भी कौन सी बेस्ट चॉइस होगी, ये भी आपको मैं इस वीडियो के थ्रू क्लियर करने की कोशिश करूंगा। वीडियो को आखिर तक ध्यान से देखना, ज्यादा लंबी वीडियो नहीं रखेंगे। फर्स्ट थिंग जो आप ऑब्जर्व करेंगे, इसका पूरा प्लास्टिक डिजाइन और प्लास्टिक बैक, फ्लैट एजेस है वो भी पूरे टोटल प्लास्टिक के। सो कई लोग को ये चीप क्वालिटी लगेगा, लेकिन जो है कई ऐसे फोन भी हैं जो यहाँ पर 25,000-23,000 में भी आपको प्लास्टिक बैग देते हैं, उनमें से Realme 10 Pro Plus को ही ले लीजिए आप। सो इस चीज को इग्नोर किया जा सकता है, बट जिस चीज को इग्नोर नहीं किया जाता है वो है हैप्टिक्स। यहाँ पर जो हैप्टिक मोटर यूज की गई है इस फोन में, ये बहुत ही एवरेज हैप्टिक मोटर यूज की गई है। ऐसा लगता है कि मैं 10,000-12,000 का एक फोन यूज कर रहा हूँ। जब भी मैं कुछ यहाँ पर टाइप करता हूँ तो पता चलता है कि अंदर मोटर स्टार्ट हो रही है, तो वाइब्रेशन काफी हार्श हो जाते हैं। वो हैप्टिक जो हमें पोको X5 Pro या Redmi Note 12 Pro या Realme 10 Pro Plus मिलती है, इनके कंपैरिजन में काफी पुअर हैप्टिक्स मिलते हैं इसमें। तो मैं वाइब्रेशन को ऑफ करके यूज करने वाला हूं। नाउ ये चीज सबसे बड़ी चीज आ जाती है इस फोन में आपको नॉच डिस्प्ले मिलती है, जो 2019-20 का ट्रेंड था 2023 में भी आपको देखने को मिल जाता है। ये फोन में कॉस्ट कटिंग की गई है डेफिनेटली, एंड इसके रिगार्डिंग एक डिटेल्ड वीडियो हमने बनाई थी कल। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डेफिनेटली आई बटन जाके देखिए, थोड़ी और डिटेल में इस फोन के बारे में आपको चीजें पता चलेंगी वहां। सो नॉच डेफिनेटली ओल्ड फैशन है, बट उस चीज को कवर करने के लिए इन लोगों ने एमोलेड स्क्रीन दी है 90Hz के रिफ्रेश रेट के साथ। सीधा कंपीट करता है मोटोरोला G73 से, जिसमें LCD स्क्रीन मिलती है आपको, बट Realme Narzo 50 Pro में भी आपको 90Hz की सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल जाती है, लेकिन उसमें आपको पंच होल डिजाइन मिलता है, इसमें वाटर ड्रॉप नॉच मिलती है। आई एग्री, नॉच दिखने में बिल्कुल ही यहां पर जो है ओल्ड फैशन का फोन को बना देता है, बट कुछ दिन यूज करेंगे उसके बाद आप यूज टू हो जाएंगे। बट स्टिल आपके लिए अगर लुक्स बहुत ज्यादा मैटर करते हैं तो मैं आपको बोलूंगा Realme Narzo 50 Pro को चूज कीजिए। एंड Realme Narzo 50 Pro को चूज करने का एक और रीजन मैं आपको दे देता हूं, इस फोन में IQOO Z7 में आपको कोई भी अल्ट्रा वाइड एंड मैक्रो लेंस देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि ये चीज हमने ही बोला कि 2 मेगापिक्सल का मैक्रो हटा दीजिए, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड हटा दीजिए, एटलीस्ट थोड़ा बढ़ा के दीजिए। तो इन लोगों ने सारी चीजों को कंबाइन करके मेन कैमरा में डाल दिया है, जो 64 मेगापिक्सल का OIS आपको इसमें मिल जाता है। इसलिए आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस चाहिए तो Realme Narzo 50 Pro आपको वो दोनों ही सेंसर दे देगा। ऑल्दो IQOO Z7 का जो है हमने कैमरा टेस्ट अभी हल्का फुल्का किया, उसमें सारे रिजल्ट इसके अच्छे निकल के हैं, कुछ सिनारियों में इंप्रूवमेंट की जरूरत है, एंड काफी नेचुरल कलर टोन ये निकाल के देता है, डिटेलिंग वगैरह भी अच्छी मिल जाती है, बट मेन कैमरा को हम अल्ट्रा वाइड डेफिनेटली नहीं बना पाएंगे। सो अल्ट्रा वाइड अगर आपके जिंदगी में काफी मायने रखता है तो आपको इससे दूर रहना है। एक और रीजन में दे देता हूं Realme Narzo 50 Pro को चूज करने का, IQOO Z7 में आपको मोनो स्पीकर देखने को मिलता है, जबकि Realme Narzo 50 Pro में आपको स्टीरियो स्पीकर सेट देखने को मिलता है। एक चीज मैंने टेस्ट की, वो चीज काफी इंप्रेसिव है, आप सुनिए। सो IQOO की डेफिनेटली लाउड साउंड है, बट स्टीरियो स्पीकर सेट का अलग ही मजा होता है। एंड एक और चीज जो कॉमन आपको सारे फोनों में देखने को मिलेगी वो है YouTube ऐप, उसमें आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है नीचे सब्सक्राइब वाले बटन को दबा के, और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक भी कीजिए। अगली चीज थोड़ी सी स्केप्टिकल है, यहाँ पर IQOO वालों ने ऑफिशियल वेबसाइट पे दिया है कि प्रॉक्सिमिटी सेंसर सपोर्टेड है, लेकिन जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में यहाँ पर टेस्ट करते हैं और देखते हैं तो यहाँ पर जो है सेंसर मौजूद ही नहीं है प्रॉक्सिमिटी का। अब जिन लोग को नहीं पता कि प्रॉक्सिमिटी सेंसर क्या होता है, जब भी आप कॉल करते हैं तो कान के पास ले जाते हैं तो यहाँ पर स्क्रीन ब्लैक हो जाती है, तो जो स्क्रीन को यहाँ पर ऑफ कर देता है उसी को प्रॉक्सिमिटी सेंसर कहते हैं। ये नथिंग फोन 1 है, इसमें प्रॉक्सिमिटी सेंसर है, जैसे ही हाथ ले जाऊंगा ये ब्लैक हो जाता है, इसमें प्रॉक्सिमिटी सेंसर नहीं है, हाथ लगाऊंगा कॉलिंग के टाइम पे तो ये बंद नहीं होगा, डिफॉल्ट डायलर को हमने इनेबल किया है। इवन गूगल डायलर डाल के भी दिखा देता हूँ, यहाँ पर नहीं वर्किंग है। नहीं तो लोगों के कुछ ऐसे कमेंट भी आएंगे कि फोन को हिलाते हुए प्रॉक्सिमिटी सेंसर काम करता है, इनकी ख्वाहिश भी पूरी करते हैं, ये फोन लगाया, ये हिलाया, ये घूम फिर के हिलाया, ये लगाया प्रॉक्सिमिटी सेंसर पे का, नहीं वर्क कर रहा है। ये बढ़िया था गुरु। इवन हमने सेंसर टेस्ट में जाके देखा, यहाँ पर प्रॉक्सिमिटी में जो सेंसर है यहाँ पर बत्ती गुल नहीं होती है। नथिंग फोन 1 में जैसे ही मैं पास में जाऊँगा ये जीरो हो जाता है,
लेकिन यहां पर नो. तो डेडिकेटेड प्रॉक्सिमिटी सेंसर यहां पर आईक्यू Z7 में नहीं दिया गया है, बट ये जो है जायरोस्कोप का यूज करके जब भी आप कान के पास में ले जाते हैं तब ये ऑफ हो जाता है. डेमो चाहिए आपको? डेमो, मैं डेमो बहुत अच्छा देता हूं. ये हमने कॉल लगा दिया है, कान के पास ले जाएंगे तो ब्लैक हो गया. अब हमने हटा दिया, स्टिल ब्लैक है. कॉल चल रहा है, मेरे हाथ पीछे हैं, अब जाके इसे होश आया. सो एटलीस्ट ऑफिशियल वेबसाइट पे तो गलत इंफॉर्मेशन नहीं देनी चाहिए. नाउ गाइस, इसके अलावा जो प्रोसेसर और यहाँ पर यूआई मिलता है वो तगड़ा आपको मिल जाता है. लेटेस्ट एंड्रॉइड वर्जन, लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच मिलता है, तो यहाँ पर कोई दिक्कत अभी तक मैंने यूआई में फेस नहीं किया. हाँ, कहीं कभार जो है लैग हो जाता है ट्विटर को स्क्रॉल अप डाउन करते टाइम, लेकिन गेमिंग की मैंने कोई मेजर हीटिंग का इशू नहीं है. सो परफॉर्मेंस के मामले में आईक्यू डेफिनेटली यहाँ पर मैं बोलूंगा काफी तगड़ा आपको परफॉर्मेंस दे देता है. सो अगर आप मोनो स्पीकर से काम चला सकते हैं, नॉच मैटर नहीं करता, बट परफॉर्मेंस तगड़ी होनी चाहिए और कैमरा में अल्ट्रा वाइड ना हो तो भी चलेगा, तो जो है आप डेफिनेटली आईक्यू Z7 को ले सकते हैं. ये सारी चीजें प्रायोरिटी पे, आपको कैसा फोन लेना है. ये नहीं कि कंपनी वालों ने जो फोन दे दिया सस्ते में दिया वो लेना है, आपकी प्रायोरिटी क्या है आपको उस हिसाब से फोन लेना है. सो गाइस, आई होप सो यहां पर सत्य तथ्य जान के आपका थोड़ा बहुत माइंड चेंज हुआ होगा. जो भी माइंड चेंज हुआ नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना. आई होप सो वीडियो हेल्पफुल रही होगी, लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए. मिलते हैं ऐसी किसी न्यू इंटरेस्टिंग धसफाड़ वीडियो. टिल देन, जय हिंद, टेक केयर एंड स्टे फिट.